हे इंसान, तू भी अपनी कीमत जान। माइकल जब 13 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसे एक पुराना कपड़ा देकर उसकी कीमत पूछी। माइकल बोला, $1 होगी पिताजी? तो पिता ने कहा, ठीक है, जाओ इसे बेचकर $2 लेके आओ। माइकल ने उस कपड़े को लिया, अच्छे से साफ किया, धोया, प्रेस किया और बहुत ही शानदार तरीके से उसको फोल्ड कर रख दिया। अगले दिन उसे लेकर वह रेलवे स्टेशन गया, जहां कई घंटों की मेहनत और मशक्कत के बाद वह कपड़ा $2 में बिक गया। कुछ दिन बाद उसके पिता ने उसे वैसा ही दूसरा कपड़ा दिया और उसे $20 में बेचने को कहा। इस बार माइकल ने अपने एक पेंटर दोस्त की मदद से उस कपड़े के ऊपर बहुत ही शानदार सुंदर सा चित्र बनवाया और उसे रंगवाया और एक गुलजार बाजार में बेचने के लिए पहुंच गया। एक व्यक्ति ने वह कपड़ा $20 में खरीदा और उसे $5 टिप भी दी। जब माइकल वापस आया तो उसके पिता ने फिर उसके हाथ में एक और कपड़ा दिया, उसे $200 में बेचने को कहा। इस बार माइकल को पता था कि इस कपड़े की इतनी कीमत या इतनी ज्यादा कीमत कैसे मिल सकती है। उसके शहर में मूवी की एक शूटिंग के लिए एक नामी कलाकार आई हुई थी। माइकल उस कलाकार के पास पहुंचा और उसी कपड़े पर उसके ऑटोग्राफ ले लिए। ऑटोग्राफ लेने के बाद माइकल उसी कपड़े की बोली लगाने लगा। बोली $200 से शुरू हुई और देखते देखते वो $1200 तक पहुंच गई। एक व्यापारी ने वह कपड़ा $1200 में खरीद लिया। रकम लेकर जब माइकल घर पहुंचा तो खुशी से पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे से पूछा कि इतने दिनों से कपड़े बेचते हुए तुमने क्या सीखा। माइकल बोला, पहले खुद को समझो, खुद को पहचानो, फिर पूरी लगन से मंजिल की ओर बढ़ो, क्योंकि जहां चाह होती है राह अपने आप निकल आती है। पिता बोले कि तुम बिल्कुल सही हो, मेरा ध्येय है। तुम्हें यह समझाना भी था कि अगर इंसान खुद के बने कपड़े को मैला होने के बाद भी इतनी कीमत बढ़ा सकता है तो फिर वो परमात्मा अपने द्वारा बनाए हुए इस इंसानों की कीमत बढ़ाने में क्या कसर छोड़ सकता है। सोचो, कपड़ा मैला होने पर इसकी कीमत बढ़ाने के लिए उसे धोकर साफ करना पड़ा, फिर और ज्यादा कीमत मिली जब उससे एक पेंटर ने उसे बढ़िया से रंग दिया और पेंट कर दिया, और उससे भी ज्यादा कीमत तब मिली जब एक नामी कलाकार ने उस पर अपने नाम की मोहर लगा दी। तो विचार करो दोस्तों, जब एक इंसान इस निर्जीव कपड़े को अपने हिसाब से उसकी कीमत बढ़ा सकता है तो इंसान क्या अपनी कीमत नहीं बढ़ा सकता। लेकिन अफसोस, इतना कीमती इंसान अपने आप को कोड़ियों के दाम खर्च कर रहा है और कोड़ियों के दाम ही अपने आप को बेच रहा है। वो अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा, उसे अपनी कीमत समझ नहीं आ रही, और ना ही ऊपर वाले के दिए हुए समय की उसे कोई कद्र है, ना ही कोई परवाह है। इंसान समय की कीमत नहीं समझ रहा है, क्योंकि ये समय जो एक बार गया वो पलट कर वापिस नहीं आएगा। लेकिन अगर आज हम इस समय की परवाह कर लें और इसकी कीमत समझ लें तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। दोस्तों, अपने आप को समझो, अपनी वैल्यू समझो, अपने समय की वैल्यू समझो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।